इस रेसिपी को देखने के बाद आप पके हुए केले कभी नहीं फेंकेंगे। जब केले एकदम पक जाते हैं, उसका छिलका काला हो जाता है, तो ऐसे वाले केले जो होते हैं ना बनाना, तो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। तो इस तरह के पके हुए केले से आप ये हेल्दी केक बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये केक। आप इसे नाश्ते में बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, पूरा घर के लिए आप बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 ripe banana, देखिए जिसका छिलका भी इस तरह से काला हो गया है। और तो आप हम अक्सर करके फेंक देते हैं, इससे भी जो ख़राब होगा ना बनाना एकदम नरम हो जाता है, उससे भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये पहले इसका छिलका उतार लेंगे और जो हिस्सा थोड़ा सा ख़राब लग रहा है उसको निकाल लेंगे और इसे इस तरह से पीसेस कर लेंगे, तोड़ लेंगे इसको। और एक मिक्सर डालेंगे और इसमें हमने डाल देना है केले को। साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच की जितनी शक्कर, क्योंकि बनाना भी जो है बहुत ही मीठा है, तो इसकी वजह से मैंने शक्कर थोड़ी सी कम डाली है। और अभी इसमें मैं कुछ और भी चीज़ ऐड करने वाली हूँ, इसके लिए मैंने शक्कर थोड़ी कम डाली है इसमें। अब इसे एक निकाल लेंगे एक बॉल में, और बनाना को मैंने मिक्सर में घुमा लिया है और इसका देखिए इस तरह से एकदम से पेस्ट बन गया है। इसे मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के जितना वेनिला एसेंस और 1/2 कप के जितना हमने इसमें मेल्टेड बटर डाल देना है। घी भी डाल सकते हैं आप मेल्टेड, और रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम यकजान कर लेंगे। देखिए एकदम यकजान हो गया है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मिल्क मेड भी डालेंगे कि इसमें अच्छा सा टेस्ट भी आए और अच्छा सा मीठा भी हो जाए। अब ये डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम यकजान कर लेंगे फिर से एक बार। और ये देखिए इसे हैंड विस्कर की मदद से ही इस तरह से अच्छे से हमें फेंट लेना है, यकजान हो गया है ये। अब इसमें हमने मैदा ऐड करना है, तो एक छलनी रख देंगे और छलनी में छान कर हमने मैदा इसमें ऐड करना है। तो मैंने 1 कप पहले मैदा लिया है और इसे छान लेंगे, फिर उसके बाद इसमें मैं 1/2 कप मैदा और इस्तेमाल करूँगी। तो पहले इसे छान लेंगे और फिर 1/2 कप मैदा और लेंगे, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा डालने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, बेकिंग पाउडर से ही अच्छा सा जो है केक अच्छा सा फूल जाएगा। अब इसे मैंने छान लिया है, अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, छोटा सा कप है दूध का। तो पहले मैंने 1/2 कप ही डाल दिया है इसमें दूध, पहले मिक्स करेंगे फिर देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। तो ये देखिए बैटर थोड़ा सा सूखा सा लग रहा है, तो इसमें और दूध ऐड कर लेंगे। और ये देखिए मैंने जो बचा हुआ था दूध वो भी मैंने सारा ऐड कर लिया है। अब इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम लम्स फ्री बनाना है। इसमें जो छोटे छोटे से टुकड़े नज़र आ रहे हैं वो मैदे के नहीं हैं, वो केले के टुकड़े हैं। और इसमें हम डालेंगे इसको और अच्छा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए, इसमें हमने ड्राई फ्रूट डालना है। तो बादाम, पिस्ता और काजू मैंने ले लिया है चॉप करके, थोड़े से बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसके अंदर आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं वनीला एसेंस की जगह में। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे हमने एक केक टिन में ट्रांसफ़र करना है। केक टिन में मैंने पहले से एक राउंड शेप वाला लिया है, मैंने पहले ही इसे ग्रीस करके इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से केक है ना जो बाहर आ जाता है। और सारा बैटर हमने इसमें डाल देना है, 3/4 तक हम भरेंगे, पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, केक फूल कर ऊपर आ जाता है तो ये ओवरफ्लो हो सकता है, इसलिए हमने थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से खुला रखना है। अब ऊपर से हम इसे डेकोरेट करने के लिए एक बनाना लिया है मैंने, बनाने के पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे और बनाना से हमने इसे डेकोरेट करना है। तो एकदम पतले पतले स्लाइस करेंगे, ज़्यादा मोटे करेंगे तो ये अंदर चले जाएंगे। तो इसे आप अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। इस केक को बनाने के लिए हमें 3 केले मैंने इस्तेमाल किए थे, 2 केले हमने पीसने में लिए थे और 1 केले को हमने डेकोरेट करने में लिए इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से इसे सजा देना है तो थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव लगता है केक, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है इस तरह से थोड़ा सा हम डेकोरेट कर ले तो। और ये जो कटे हुए बादाम पिस्ते हैं ना, इसे भी हमने इसे डेकोरेट करना है। जो 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 जगह खाली दिख रही है ना, तो वहाँ पर हम इसे बादाम पिस्ते को डाल देंगे। तो ये इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, जब हम केक खाते हैं ना तो बादाम पिस्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये देखिए यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा केक, इसे हमने बेक करना है। तो मैं इसे पतीले में बेक करने वाली हूँ। तो एक पतीले में मैंने नमक डाल दिया था और उसे गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था मैंने 10 मिनट के लिए, और उस पर मैंने एक रिंग रख दी है और उस पर मैंने केक टिन को रख दिया है। अब हमें इसे बेक करना है पूरे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट में बहुत ही अच्छा ये एकदम परफेक्ट केक हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसे आप अगर ओवन में बेक करेंगे तो थोड़ा सा 10 मिनट कम रखना, 35 मिनट में आप 35 मिनट तक इसे आप ओवन में बेक कर सकते हैं। और ये देखिए इसे मैंने थोड़ा सा इसकी साइड्स को छुड़ा लिया है छुरी की मदद से, और इसे हम पलट लेंगे एक प्लेट पर। और ये देखिए केक बहुत ही आसानी से ना निकल आएगा, और ये जो बटर पेपर इस पर हमने लगाया था इसे हमने निकाल लेना है। बटर पेपर इसमें लगाएंगे ना बहुत ही आसानी से केक निकल आता है,
तो बटर पेपर को अलग कर देंगे और ये हमारा केक जो है देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत अच्छा कलर इसका आया है और बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है। इसे पलट लेना है और इसके पीसेस करने हैं। तो आप इसे मनचाहे पीसेस कर सकते हैं, इसके चौकोन पीस में भी आप इसे कट कर सकते हैं। इसे आप बनाकर बच्चों को टिफ़िन में भी रख कर दे सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं। इसे आप बनाकर शाम के चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी केक बनता है। और इसके पीसेस हो गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा स्पॉन्जी केक बना है हमारा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।